अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, इसमें फिल्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने फिल्ट्रेशन की दो टाइप्स पढ़ी। हमने कहा जी फिल्ट्रेशन दो तरह की होती है, एक है जी फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, इसको हमने डिस्कस कर लिया है, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। और इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास मौजूद है वह है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल, फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वह है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। इसमें ना बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। अब क्रूसिबल की ना बेसिकली दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं हमारे पास क्रूसिबल की? दो टाइप्स हैं। अब इन दो टाइप्स में फ़र्क ही शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में। एक हमारे पास होता है गूच क्रूसिबल, गूच क्रूसिबल, और एक हमारे पास होता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। बेसिकली हमने यहां पे क्या काम करना है, ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क है डिफरेंस बिटवीन गूच क्रूसिबल, गूच क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब इन दोनों में फर्क क्या है, हम दरमियान में लाइन लगाएंगे और एक साइड पे हमने सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल लिखा हुआ है और एक साइड पे हमने गूच क्रूसिबल लिखा है। इन दोनों में फर्क करेंगे तो पहले नंबर पे ना ये दोनों चीज़ें बनी किस चीज़ की होती हैं, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल किस चीज़ का बना हुआ है और गूच क्रूसिबल किस चीज़ का बना हुआ है। तो याद रखिएगा हमारे पास जो गूच क्रूसिबल है ये मिट्टी का बना होता है, किसका बना होता है, मिट्टी का। और जबकि ये देखो साथ में वर्ड आ रहा है ग्लास, ये किसका बना होगा, ग्लास का। सही, मिट्टी को ना हम उर्दू में तो मिट्टी कहते हैं लेकिन इंग्लिश में उसको पोर्सलेन कहते हैं। सही है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ पोर्सलेन, ये स्पेलिंग एक चेक कर लीजिएगा, पोर्सलेन, पोर्सलेन का मतलब होता है ये मिट्टी का बना होता है। सही, इसके अलावा हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल किसका बना होगा, ग्लास का, जिस तरह ये शीशे का ग्लास होता है ना, सेम इसी तरह का हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल होता है। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना होगा। अच्छा, इन दोनों में ना चेक कीजिएगा दोनों में बेसिकली फर्क क्या है। इसमें ये होता है कि आपका ग्लास का बना होता है, सॉरी ये मिट्टी का बना होता है इस तरह। अब पहले समझ लो इसको थोड़ा सा, अभी लिखना ना इसको ना, पहले समझ लो, ये इस तरह का मिट्टी का बना होता है, ये जिस तरह मिट्टी का कप नहीं होता, ये तकरीबन तकरीबन इतना ही होता है और ये इस तरह नीचे से कुछ इस तरह का होगा। अब इसके नीचे वाली साइड पर ना क्या होते हैं, बारीक बारीक से सुराख होते हैं, इस तरह ये सुराख हो, ये सेम इसी तरह होता है, ये गूच कुर्सी वाला ये मिट्टी का बना होगा और इसके नीचे वाले साइड पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। इसके अलावा ये वाला जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लास की बनी होती है और इतनी होती है, सिर्फ इतनी इतनी, और यहाँ से नीचे इतना होगा, ये नीचे से मुकम्मल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा सिर्फ कि इसमें नीचे से सिर्फ इतनी जगह खाली होती है। इसमें क्या होता है जी, ये पूरे के ऊपर जैसे एक कप होता है, कप के नीचे वाली साइड पर आप सुराख कर दो, तकरीबन तकरीबन इतने इतने मोटे सुराख कर दो, इतने इतने मोटे, तो इस तरह सुराख बने होते हैं इसमें। अब इसके ऊपर करना क्या पड़ता है, जब आप फिल्ट्रेशन करते हो ना तो दो चीज़ें, एक वर्ड है एस्बेस्टोस, एक वर्ड है फिल्टर पेपर। या तो आप फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हो या फिर एस्बेस्टोस यूज़ कर सकते हो। फिल्टर पेपर को क्या करना पड़ेगा, आप फिल्टर पेपर को काटोगे इसके लिहाज से और इस फिल्टर पेपर को उठा के आप इन सुराखों के ऊपर रख दोगे, यहाँ पर कहाँ पर रख दो, यहाँ पर, ये क्या हमारे पास फिल्टर पेपर, ये क्या हमारे पास
यानी आपने क्या करना है जी, इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख के बाद में फिल्ट्रेशन करनी है, बाद में फिल्ट्रेशन करनी है। हाँ, इसके अलावा फिल्टर पेपर के अलावा एक और भी चीज़ रख सकते हो, वो है एस्बेस्टॉस मटेरियल। अब एस्बेस्टॉस मटेरियल क्या होता है? एस्बेस्टॉस मटेरियल भी इसके ऊपर रख सकते हैं। अब याद रखिएगा, फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस मटेरियल क्या होता है? देखें, एस्बेस्टॉस मटेरियल होता है, अगर कभी नलके लेगा ना, जो धागा है उसको सारा का सारा ऊपर से नलके से उतार लो, उतारने के बाद उसका गुच्छा सा बना लो, गुच्छा सा बना के इसके ऊपर इसे बिछा दो। वो जो हम इसके ऊपर बिछा रहे होते हैं ना, वो एस्बेस्टॉस मटेरियल तकरीबन जिस तरह नलके का धागा आप उधेड़ के वो सारे के सारे इसके ऊपर बिछा रहे हो ना, जिस तरह नलके का धागा है ना, सेम इसी तरह का एस्बेस्टॉस मटेरियल होता है, उसको आपने इसके ऊपर रख देना होता है, उसके ज़रिए से भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर काम थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ग्लास की बनी हुई एक डिस्क होती है इस तरह की, ये डिस्क याद रखिएगा, मैं यहाँ बड़ी बना रहा हूँ, लेकिन इस डिस्क को उठा के आप इसके ऊपर रख सकते हो, सही है, बिल्कुल इसके साइज़ की होगी। अब इस डिस्क में क्या होता है कि हर एक डिस्क में मुख्तलिफ पोर्स होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के क्या होंगे? पोर्स होंगे। किसी डिस्क में बहुत बड़े साइज़ के पोर्स होते हैं और किसी डिस्क में थोड़े से छोटे साइज़ के पोर होते हैं। ये बात आपने एक सिंपल सी याद रखनी है, इसमें थोड़े से बड़े साइज़ के पोर्स होंगे, मतलब आप जब फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं ना, आपको पता है कि मैं जिस चीज़ की फ़िल्ट्रेशन करना चाहता हूँ उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट है या जो सॉलिड चीज़ है वो कितनी मोटी है, तो आप उसके लिहाज से यहाँ से जो भी चीज़ यूज़ करोगे उसको चूज़ करके फिर उसको यूज़ कर रहे होते हो, सही है। अब याद रखिए, मैं आपको उससे समझाने के लिए इतने से बड़े पोर्स बना रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े पोर्स नहीं होते, बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं। ये इतना बड़ा पोर्स बनाया, ये इतने बड़े कभी भी नहीं होंगे, ये बहुत ही बारीक होते हैं, सही। अब आपने जिस लिहाज से फिल्ट्रेशन करनी है, आप उस डिस्क को उठाते हो, इसके ऊपर रखते हो, फिल्ट्रेशन कर लेते हो, सही है, ये तरीकाकार है। अब ना यहाँ पे इस तरीकाकार से याद रखिएगा, इस तरीकाकार में ना आपको फिल्ट्रेशन करने से पहले या तो फिल्टर पेपर को काट के या फिर एस्बेस्टॉस मटेरियल को लेके इसके बॉटम पर रख के बाद में फिल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन इसमें क्या करो, डायरेक्ट डिस्क उठाओ, ऊपर रखो, फिल्ट्रेशन कर लो। इसमें क्या करना पड़ता है, फिल्टर पेपर को काटो, काट के फिर उसके ऊपर रखो, फिर आप फिल्ट्रेशन करोगे, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाला प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये वाला प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तैयारियाँ क्या करनी पड़ती हैं, फिल्टर पेपर को उठा के इसके ऊपर रखना या इस स्टॉस मटेरियल को लेकर उसको सही तरीके से इन सुराखों के ऊपर रख के बाद में फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तो लेकिन उसमें कोई तैयारी नहीं, उसमें डायरेक्ट डिस्क उठाओ, ऊपर रखो, फिल्ट्रेशन कर दो। या आपको डिस्क उठा के ऊपर रखने में शायद 5 सेकंड लगे, लेकिन यहाँ फिल्टर पेपर काटने में सारा कुछ करने में शायद 5 मिनट लग जाए, सही है। तो देयर इज अ नीड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पे जरूरत पड़ती है तैयारी की, बिफोर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन से पहले कुछ ना कुछ तैयारी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें ये देखो, इसमें ये जो डिस्क होती है किस चीज़ की बनी होती है? ग्लास की। किसकी बनी होगी? ग्लास की। और यहाँ पे ये जो डिस्क होती है, ये नीचे वाली चीज़ हमने उसके ऊपर जो चीज़ रखी होती है वो एस्बेस्टॉस मटेरियल होगी या फिर क्या होगा, फिल्टर पेपर। कहते ये जो फिल्टर पेपर है, आप देखो फिल्टर पेपर के ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ता है ना, तो ये ऐसा गलना शुरू हो जाता है। ये कल ये जिस तरह पेज नहीं होता, पेज के ऊपर पानी गिरा कर चेक कर लीजिएगा, जब पेज के ऊपर पानी गिरता है तो वो ऐसा ऐसा गलना शुरू हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इसमें आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप चीज़ फिल्टर कर रहे हो, वो चीज़ कॉन्टेमिनेट हो सकती है। वो चीज़ क्या हो सकती है? कॉन्टेमिनेट हो सकती है। इन दिस प्रोसेस या इन गूज क्रूसिबल, द प्रोडक्ट मे बी कॉन्टेमिनेटेड, द प्रोडक्ट मे बी कॉन्टेमिनेटेड इन सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में क्या होता है जी,
प्रोडक्ट इज नॉट कॉन्टेमिनेटेड, प्रोडक्ट इज नॉट कॉन्टेमिनेटेड, कॉन्टेमिनेटेड, प्रोडक्ट कभी भी कॉन्टेमिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट जो बात आपने यहाँ पे लिखनी है, देखो जो फिल्टर पेपर है ना, अगर आप किसी एसिड की या किसी स्ट्रॉन्ग बेस की फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं ना, अगर आप इसके ऊपर एसिड गिराओगे फिल्टर पेपर जल जाता है। अगर इसके ऊपर एसिड डालते हो तो क्या होता है, फिल्टर पेपर जल जाता है। लेकिन ग्लास के ऊपर अगर आप एसिड डालते हो तो ग्लास कभी भी नहीं जलेगा। मतलब गूच क्रूसिबल को यूज़ करके आप स्ट्रॉन्ग एसिड की फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसको यूज़ करके कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस कैन नॉट बी फिल्टर, कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, कह लो इंस्ट्रूमेंट। और यहां पर क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस कैन बी फिल्टर्ड, कैन बी फिल्टर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को फिल्टर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास बच्चे डिफरेंस है। दो नंबर के लिए आना है, दो नंबर के लिए कम से कम आपको दो या तीन पॉइंट्स लाजमी आने चाहिए। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।